किसी दूसरे की वजह से परेशानी खुद को लेना, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। एक्चुअली आज इस परेशानी से हम में से 99.9% लोग प्रभावित हैं। किस लिए? फला व्यक्ति ने मुझे कुछ कह दिया, आज मुझे जो भी कष्ट मिल रहा है वो फला व्यक्ति की वजह से मिल रहा है, मैं उस व्यक्ति को माफ नहीं कर पा रही या कर पा रहा हूं। किसी व्यक्ति को भूल पाना बहुत मुश्किल है, कोई मुझे बहुत सताता है मन में, कोई ऐसी याद है जिसको भूलना भी मुश्किल है और याद रखना भी मुश्किल है, कुछ ऐसी परिस्थिति जिसकी वजह से आप नहीं रह पाते। इस स्थिति को और अगर हम कंप्लीट ओपन करें ना, तो जो पागल होते हैं लोग या रियलिस्टिक पागल हो जाते हैं, पागलपन की स्थिति तक पहुंचते हैं या अपने आप को खो देते हैं, आत्महत्या करते हैं, ऐसी मानसिकता से पीड़ित होते हैं जिनको सुसाइड करने की जो टेंडेंसी है वो बढ़ रही होती है, जिनके अपने ब्रेन में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता कंप्लीटली जन्म ले रही होती है, जो हर चीज को दोषारोपण पर मानते हैं, जिन्हें यहां तक भी कहें कि जिन लोगों को आदत है किसी दूसरे की बुराई सुनने में मजा आता हो या आदत हो ऐसी कि वो बुराई सुनते हैं किसी की। और एक बढ़िया बात, एक्चुअली हम सब पीड़ित हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी स्वरूप में, या तो दोषारोपण करने में, या तो अपने ही मन मस्तिष्क के विचारों में, या तो अपनी ही चेतना में, या तो हमारी खुद की ही बनाई हुई प्लानिंग असफल होने में, या तो हम किसी दूसरे के लिए कुछ कर रहे हैं वो ठीक नहीं समझ रहा, तो और एक बहुत महत्वपूर्ण बात, जिसको आप चाह रहे हैं और वो आप लोगों को नहीं चाह रहा हो, तो भी एक तरफा प्यार में भी अगर आपका अपना लवर आपको छोड़ दिया, चाहे वो फीमेल हो चाहे मेल हो, छोड़ दिया हो यानी ब्रेकअप हो गया हो, वो ब्रेकअप सॉन्ग था ना, ब्रेकअप कर लिया वही वाला, ऐसा कुछ हो, कदाचित किसी भी वजह से आपकी अपनी कोई भी आपका अपना आपको छोड़ के चला गया हो या आप किसी को छोड़ना चाहते हो, ये जितनी भी कवायत है इस सबके पीछे एक सिंगल कारण है, पता क्या? आपका अपना ट्रेडिशनल सिस्टम, आपकी अपनी मान्यता, आपने जिस चीज को जैसा माना है उस पर, इस पर बड़ी बहुत बहुत डीप थिंकिंग है, बहुत ज्यादा। क्या एक बड़ी डीप थिंकिंग इसके ऊपर ये है कि अगर आपको कोई छू नहीं सकता तो आपको कोई कष्ट कैसे दे सकता है? वो कहे चाहे कोई भी कष्ट हो, कोई मिलने वाला हो, बिछड़ने वाला हो, बिछड़ गया हो, कि कोई भी ऐसी चीज हो गई हो, जहां पर भी आपको ऐसी कोई चीज लगती है वहां पर आपको जब तक कोई टच नहीं कर सकता, छू नहीं सकता। एक्चुअली ये कंप्लीटली इंटरकनेक्टेड चीजें बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। इसको अगर वेद वेदांग की बात करें और बहुत डीप थिंकिंग की बात करें, बहुत बड़ी स्तर की बात करें, तो पता क्या है? आपको आप में पहचान मिलना, यानी आप क्या अपने आप को जानते हो? जैसे अगर आपको कहा जाए, सपोज मुझे कहा जाए, आपको छोड़ो मुझे समझो, आप अगर मुझे कोई कहे कि मुझे आचार्य सतीश अवस्थी को मिलना है या मैं आचार्य सतीश अवस्थी को टच करना चाहता हूँ, तो कैसे? ये तो आचार्य सतीश अवस्थी का हाथ है, ये तो सर है, ये चेस्ट है, ये पेट है, ये पैर है। आचार्य सतीश अवस्थी कहाँ है? आचार्य सतीश अवस्थी अंदर है, जहां तक कोई पहुंच भी नहीं सकता। तो जब कोई छू नहीं सकता, पहुंच नहीं सकता, देख नहीं सकता, महसूस नहीं कर सकता, तो कष्ट कैसे दे सकता है? आपको वेदना कैसे दे सकता है? ये है बहुत छोटी सी बात। अगर आप अपने जीवन में इस बात को समझ जाते हैं कि ये सारे के सारे लक्षण शरीर के हैं, आपके नहीं, दुख देना और मिलना, मिलना और बिछड़ना,
ये सिर्फ और सिर्फ शारीरिक लक्षण है, आत्मिक लक्षण नहीं है। ये आध्यात्मिक दृष्टि से ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। आध्यात्मिक दृष्टि में आप बहुत अंदर हैं, बहुत डीप बात है, ये आपकी अपनी बात है जो कोई नहीं समझ सकता। और जिस दिन आप अपने आप को समझ जाते हैं ना, उस दिन के बाद आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। उस दिन सिर्फ आप कंप्लीट होते हैं। और आप अपने आप को जिस दिन समझ जाते हैं, उस दिन के बाद आप सुख और दुख से दूर होते हैं, किसी भी प्रकार के अपवाद से दूर होते हैं। जितनी भी प्रकार की मैंने बातें बताई हैं, ये सबसे आप मुक्त होते हैं। सिर्फ करना इतना है कि आपको अपने अंदर चेतनात्मक रूप से अपने आप का दर्शन करना शुरू करना है। तो कोशिश कीजिए और आत्मदर्शन कीजिए, गूढ़ रहस्यों को सामान्य चिंतन पर देखने की कोशिश करेंगे हम। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप अपने विचार या सवाल कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। आप आचार्य सतीश जी से मिलने के लिए हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0808142694।